हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं एक बंदर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये बंदर कोई मामूली सा बंदर नहीं है, ये थोड़ा अनोखा बंदर है। ये बंदर ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, और उसको पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। तो पेटा करके इंडोनेशिया में कोई जगह है, तो ये वाला बंदर वही जगह का है और उसको ये अवार्ड मिला। कैसा मिला उसको ये अवार्ड, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, और लिंक में एक डिस्क्रिप्शन देने का कोशिश करता हूँ, तो आप वो लिंक को देख के और पूरा स्टोरी को जानिए, ठीक है। तो क्या हुआ था, ये बंदर ने उसके एक कैमरा था, तो एक कैमरा के आगे जाके उसने ना सेल्फी शटर दबाया, वो कैमरा के सामने आके ये क्लिक किया फ़ोटो। तो फिर क्या हुआ, ये फ़ोटो है ना इंटरनेट पर वायरल हो गया, एकदम ज़्यादा ही वायरल। और सीन ऐसा था कि ओनर ऑफ द फोटो कौन है, ये जो बंदर है वही ओनर ऑफ द फोटो निकला। तो थोड़ा लॉस वगैरह सब मगजमारी हुआ थोड़ा, और क्या बोलते हैं, ये बंदर बहुत फेमस हो गया यार, बहुत फेमस। तो इसी तरह ये बंदर के अगेंस्ट बहुत कॉपीराइट क्लेम्स वगैरह ये सब हुआ, कौन असली फोटोग्राफर है वो सब। लेकिन फिर बंदर को ये मिला कि यही असली फोटोग्राफर है ये फ़ोटो के पीछे, क्योंकि ये बहुत सारा वायरल हो गया था ना इसका फ़ोटो, इसके लिए वजह से। तो ये वीडियो में देखते हैं कि ये बंदर कैसा एक असली आदमी बना, ये सब लीगल इश्यूज की वजह से उसको पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पेटा के हिसाब से। सो जस्ट रीड द आर्टिकल इन द डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, पढ़िए और जानिए और इसके बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कभी आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा, देखने के लिए धन्यवाद। बाय गाइस, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।